इस पहाड़ से, इस पर्वत, इस जंगल से जब तक मतलब धुआं खत्म नहीं होता है तब तक बारिश खत्म नहीं होती है। सो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? उम्मीद है मस्त हो और मैं भी मस्त हूँ। सो फाइनली गाइज, आज हम किसी चीज को दिखाने वाले में से नहीं है। सो फाइनली आज कोई दिखाने वाला चीज नहीं है जो कि हम दिखा पाए आप लोग को। सो फाइनली मतलब आज इतना बारिश हुआ कि आज हम घर से मतलब ज्यादा निकले ही नहीं, क्योंकि 24 घंटा आज बारिश हो रहा है। रात से दिन भर पूरा बारिश ही बारिश हो रहा है। 2-3 दिन से सही से मतलब ये नहीं हुआ है, मौसम मतलब फ्रेश नहीं हुआ है और धूप भी नहीं किया है जो कि कुछ दिखा पाए और कहीं जा पाए। सो फाइनली बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, इसके वजह से कहीं जा नहीं पा रहे हैं। और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो हम कहीं निकल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, क्या दिखा सकते हैं। बाकी हम लोग का वीडियो ऐसे होता नहीं है जो कि हम कुछ किसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाए। सो फाइनली हम लोग तो वही दिखाना चाहते हैं जो कि डेली लाइफ में क्या होता है। सो फाइनली अभी तो फिलहाल कुछ दिखा नहीं पाएंगे। और अभी देख सकते हैं गाइस, अभी का लोकेशन कितना खराब चल रहा है, बारिश 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 बारिश। और अभी शाम का मौसम है, जगह बहुत पीला पीला लग रहा है, ग्रीन ग्रीन भी लग रहा है, पीला पीला भी। बहुत जोरदार बारिश हो रहा है, मतलब दिन भर 24 घंटा बारिश हो रहा है। इस बारिश के बीच में हम कहीं जा नहीं पाते हैं। सो फाइनली गाइज, अभी हम बारिश के ऊपर बात करेंगे क्योंकि बारिश लगभग 3-4 दिन से हो रही है और लगातार हो रही है। और लगातार होने के कारण मतलब मौसम ऐसा भयानक टाइप से बना रखा है, खेत खलियान ऐसे भर गए हैं पानी से कि बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है और खेत खलियान पूरे भर गए हैं, जो कि काफ़ी भयानक और खतरनाक भी हो सकता है। सो फाइनली गाइज, अभी उधर कश्मीर साइड में जो हलचल मच रही है और वहाँ पे लहर आ रही है जो कि जो डूबा होने का जो उधर अधिक चांस है, जो कि पृथ्वी फट जा रहा है, बोले तो धरती फट जा रहा है। और पहाड़ से जो घर सब वो अभी मतलब भयानक टाइप से गिर जा रहे हैं जो कि बहुत खतरनाक हो रहा है। सो फाइनली गाइज, अगर जो मुंबई तरफ जो भयानक वाला बारिश हुआ था वही लहर तो क्यों नहीं मतलब झारखंड में पहुंच चुकी है। सो फाइनली गाइज, वो चीज़ को हम मतलब थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे तभी और फाइनली पता चला कि वही लहर उधर से आ रही है जो कि साउथ इंडियन तरफ से, जो कि झारखंड बोले तो छत्तीसगढ़, ओडिशा और मतलब झारखंड इधर क्रॉस कर रही है। सो फाइनली गाइज, लगातार बारिश होने के कारण मतलब खेत खलियान ऐसे भर गए हैं जो कि यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी दूर दूर तक बस पानी ही पानी नज़र आ रहा है। हम लोग को बस फोग ही फोग नज़र आ रहा है जो कि देख सकते हैं। हम अभी मतलब शाम का समय हो रहा है, अभी मौसम इस प्रकार किया है जो कि मतलब बहुत खतरनाक डरावना टाइप से लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये पहाड़ जो है डेली दिखाते हैं, यहाँ से ऐसा प्रतीक हो रहा है जो कि यहाँ पे मतलब कोई चीज़ जल रहा है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे कोई चीज़ जल रहा है यहाँ पे भयानक टाइप से। और यहाँ से कोई कुहास निकल रहा है, इसे फोग टाइप से धुआं निकल रहा है टाइप से लग रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। और लोग कहते हैं, मेरा गांव का ये बुजुर्ग लोग कहते हैं कि इस पहाड़ से, इस पर्वत, इस जंगल से जब तक मतलब धुआं खत्म नहीं होता है तब तक बारिश खत्म नहीं होती है। मतलब इस पर्वत, इस जंगल, पहाड़ से अगर धुआं निकलता रहेगी तो बारिश बहुत जोरों शोर से होती है। सो फाइनली गाइस, ये सच बात है। और अभी इस चीज़ों को देखते हुए हम मतलब अंदाज़ा लगा रहे हैं जो कि इन बुजुर्गों का कहना बहुत ही 100% सही है और मतलब मानना भी चाहिए, क्योंकि अभी इतना 2-3 दिन से बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है और हवा भी चल रहा है पूरा भयानक टाइप से, तूफानी हवा। और उस पर्वत, उस जंगल पहाड़ में अभी तक देख सकते हैं गाइस कि मतलब बारिश के मौसम भी मतलब धुआं निकल रहा है टाइप से लग रहा है, पूरा फोगी फोग दिख रहा है। मतलब फोग बोले तो यहाँ पे मतलब बहुत सार हजारों साल पहले मतलब लोग यहाँ पे बुजुर्ग लोग हमेशा बोलते थे कि यहाँ पे कोई धुआं वगैरह निकलता है तो बारिश थमने का नाम नहीं लेता है। सो फाइनली ऐसा कोई नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं जो कि यहाँ पे कोई आग उग लग गया तो इसे धुआं निकलेगा, ये कोई पानी का कोई फोग टाइप से ही, फुहारा टाइप से लग रहा है जो कि काफ़ी हैवी टाइप से दिख रहा है। और कोई वहाँ पे कोई आग उग जल गया है तो वहाँ पे कोई क्या बोले धुआं निकल रहा है टाइप से दिख रहा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। और बहुत ही अच्छा चीज़ है जो कि अभी मतलब इस क्षेत्र में हम रहते हैं, जैसे यहाँ पे मतलब बारिश ऐसे हो रही कि हम लोग को मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कब तक ये मौसम ऐसे किया रहेगा और कब तक ख़त्म होगा मौसम। बहुत ही खतरनाक मौसम बना रखा है गाइस और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। दिन भर में आज कुछ दिखा नहीं पाए, यहाँ पे आए तो बहुत खतरनाक टाइप से बारिश हो रहा है और घर से हम निकले नहीं क्योंकि बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है तो जाएंगे कहाँ पे। और जाने का रीज़न तो हमको था, हम कहीं पे जाते तो अच्छा ब्लॉगिंग हो पाता। सो फाइनली अच्छा ब्लॉगिंग होना कहीं जाने से ही होगा। सो फाइनली हम तो कहीं जा नहीं पा रहे हैं तो होगा कैसे ब्लॉगिंग, तो आप लोगों को कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं, हम सॉरी बोलना चाहते हैं दिल से, क्योंकि हम कुछ दिखा नहीं पाएंगे तो आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। सो फाइनली एक ही चीज़ को डेली दिखाना ही अच्छा बात नहीं है,
अगर एक ही चीज को आपको दिखाएंगे एक ही चीज को, तो आप बोर हो जाओगे, मेरा वीडियो आप देखोगे नहीं, क्योंकि मतलब कोई इंफॉर्मेटिव चीज होगा ही नहीं वीडियो में, तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा देखने के लिए। सो फाइनली गाइज, कोई ऐसा ब्लॉगिंग होगा जो कि आप लोग कमेंट करके बताओ कि हम कहाँ जाएं, क्या ब्लॉगिंग दिखाएं, प्लीज़ आप लोग कमेंट करना। और हम डेली ब्लॉगिंग बनाते हैं, तो चेकआउट कर सकते हो मेरा ये वाला चैनल, बोले तो ये वाला वीडियो, जो कि आप लोग बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा देखने में। सो फाइनली गाइज, आप लोग प्लीज़ प्यारा सा कमेंट कर देना कौन सा ब्लॉग बनाए, कौन सा क्या करें, क्योंकि हम तो कहीं जा नहीं पा रहे हैं और इतना सारा बारिश हो रहा है डेली दो तीन दिन से, जो कि हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। आप लोग का प्यारा सा कमेंट रहेगा तो कहीं से भी करके अरेंज करके हम जा ही पाएंगे और अच्छा ब्लॉगिंग आप लोग को इन्फॉर्मेटिव चीज़ दिखा पाएंगे। सो फाइनली गाइज, प्लीज़ कमेंट कर देना। सो फ्रेंड, वीडियो में ज़्यादा बात ना करते हुए इस ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इस ब्लॉग में कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ है नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, भाई को सपोर्ट कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय, टेक केयर।